से आई हूँ, आप सभी से ये विनती करने आई हूँ कि हमारी बहन जो गुंजन मिश्रा जी यहाँ पे खड़ी है, जिनके निशाने हाथ का पंजा है, उसे आप भारी मतों से वोट दीजिए, उसको आपका पूरा आशीर्वाद दीजिए। ये विनती करने के लिए हम इतने दूर से यहाँ से आए हैं, लगभग मुझे यहाँ पे आके आज से 10 दिन हो गए हैं। पहले मैं ईस्टर्न यूपी में स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर करके काम कर रही थी, लेकिन आज 10 दिन से मेरठ, फिर मुरादाबाद से लेके मथुरा से लेके फिरोजाबाद से लेके बरेली, सब जगह पे हम घूम के आए हैं, सब जगह पे हम जाके प्रचार करके आए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, सिर्फ कांग्रेस ने, 40% महिलाओं को सीट देने का काम किया, नेतृत्व देने का काम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने तो यहाँ पे एक और बात कही कि ईटा में 3 महिला हमारे बहने यहाँ पे जो है वो इलेक्शन, 4 में से 3 मतलब 75% आपने कहा कि महिलाएं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। मैं आप सभी से यही विनती करने साथियों, आपके बीच में कांग्रेस की प्रत्याशी, आज आप कांग्रेस मैं आज लगभग 8-10 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं गुंजन मिश्रा जी के लिए यहाँ पे वोट मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। और जिस तरह आप जानते हैं कि प्रियंका जी ने निर्णय लिया है कि 40% सीट जो है वो महिलाओं को देना चाहिए, और मैं लगभग मेरठ, जैसे मैंने कहा कि मथुरा, मैंने बरेली, कल हम जो थे वो शिकागो बाद में थे, तो हम बहुत से घूम के आ रहे, फरीदाबाद में थे, हमने जहाँ जहाँ जाके गए हैं वहाँ पर देखा कि जिस तरह से लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक ऊर्जा है, और महिला बहनें हमारी मेहनत बहुत कर रही है, सबसे बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा मौका उनके लिए यहाँ पे प्रियंका जी ने दिया है, साथ साथ में युवक और संगठन को भी हमने बहुत सारा प्रतिनिधित्व देने की हमने कोशिश की है। यहाँ की जो हमारी गुंजन जी है, जैसा आप देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी है, एजुकेशन में कुछ करना चाहती है, यहाँ पे बच्चों को आगे लाना चाहती है, तो मैं बहुत उनको शुभकामनाएं दूंगी। और जिस तरह से मैंने कहा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रोजगार की, शिक्षा की, आरोग्य की, और बात करें किसान को जो है न्याय देने की, तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोगों से हमें प्यार मिलेगा, लोगों से हमें आशीर्वाद मिलेगा। अभी क्योंकि चुनाव चल रहा है, राजनीति चरम पर है, सभी दल लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका से जो हिजाब वाला एक मामला सामने आया, जहाँ बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रहा है। भाई बीजेपी पलटवार करके कह रही है कांग्रेस पे कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो हिजाब के ऊपर बात कर रहे हैं, वो जो है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। जिस तरह से घटनाक्रम हो रही है, इसीलिए ये बातें उनके ऊपर आ रही है। आपको पता है कि मैं मुंबई से आई हूँ, जब आपको पता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जो दुर्दैव से देहांत हो गया था, उस समय भी बहुत बड़े पैमाने पर ट्रोल हुआ था कि शाहरुख खान जी ने फूका है कि क्या किया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रोल हुआ था। उसके 2 दिन के बाद आपने देखा होगा कि कर्नाटक की घटना घटी, और कर्नाटक की घटना में जिसका, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैंने बड़े पैमाने पर कहा कि इसको हम डिस्टर्बिंग कहेंगे, क्योंकि हम जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहला तो हम ये लेते हैं कि प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं, भारत मेरा देश है, हम सब भारतीय भाई बहन हैं, और हम सब एक दूसरे से विविधता है लेकिन एक संघ है, ये हमारी प्रतिज्ञा करती है। तो इंस्टीट्यूट में तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। बच्चे एक तो बाहर से बहुत सारे आए थे, तो मेरा एक तो कहना है कि इंस्टीट्यूट में ये हेटरेट फैलना ही नहीं चाहिए। देश के संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो अगर घटनाक्रम देखेंगे तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर इसमें अगर गलत लग रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर ने बात करनी चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए, एक्शन होनी चाहिए इसके खिलाफ। क्योंकि देखिए, सवाल ऐसा है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो सबसे बड़ी बात है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, ये सबको मिलने चाहिए। और जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कह रहा है, जब आप प्लेस सुबह जाके स्कूल में कॉलेजेस में ले रहे हो, तो हमें इस देश में एक संगतता लानी चाहिए। अगर इस देश को हमें आगे लेके जाना है, अगर इस देश को हमें, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव करना है, तो आपको एक संघ आना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल ये जात धर्म, कांग्रेस ने तो कभी जात धर्म की राजनीति की नहीं है, कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव की राजनीति की है। हम सबको साथ में, इसीलिए हम बात कर रहे हैं 3 गैस की, इसलिए हम बात कर रहे हैं लड़कियों को मोबाइल देने की, स्कूटी देने की, बस में जो है महिलाओं को फ्री में टिकट देने की, हम बात यहाँ पे यही कर रहे हैं कि 10 लाख तक का आरोग्य का बीमा मिलना चाहिए। ये सब चीज़ कांग्रेस ला रहे हैं। किसान को पहला कर्जा कोई माफ करने का निर्णय लिया है तो कांग्रेस ने लिया है। तो आपको क्या लगता है यूपी का चुनाव इस तरह की राजनीति से प्रभावित होगा?
यूपी का चुनाव राजनीति से प्रेरित दिख ही रहा है, आपको भी पता है राजनीति क्या प्रेरित है, चुनाव दिख रहा है हमको। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी का सबसे बड़ा चीज़ अगर कोई करनी चाहिए तो यहाँ पे सड़कों का काम करना चाहिए, यहाँ की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह महिलाओं पर अन्याय होता है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और हम जैसा आप सबसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग जात धर्म से उससे ऊपर उठेंगे तो ये समस्या पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। एक मुद्दा और चाह रहा है, उन्नाव में एक दलित बेटी की हत्या हुई है, आप समाजवादी पार्टी के एक नेता पे आरोप लगा है, बीजेपी ने बात पलटवार किया है कि आप हिजाब पे बात करते हैं लेकिन वहाँ दलित युवती की हत्या हुई तो कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे रही। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा मैंने कहा कि जब भी कोई घटना घटती है, किसी लड़की के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठाती।